आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज़, पल पल की खबर। यदि आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो KSN 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुड़पार में गुरुवार को शासकीय उद्यान के अधिकारियों द्वारा आमों की नीलामी का निविदा निकाला गया था, जिसमें गांव के आसपास के 34 ठेकेदारों द्वारा बोली लगाने के लिए निविदा जमा किया गया था। नीलामी के लिए प्रारंभिक सरकारी मूल्य के अनुसार 1,10,000 रखा गया था, जिसमें गांव के ही मनमोहन रत्नाकर ने सर्वाधिक 1,65,060 रुपये की बोली लगाकर यह निविदा प्राप्त किया। आज हमारे ग्राम पंचायत मुड़पार के शासकीय उद्यान में आम की नीलामी का कार्यक्रम था, जिसमें 34 लोगों ने नीलामी के लिए अपना निवेदन जमा किया, जिसमें शासकीय मूल्य 1,10,000 रुपये रखा गया था और उसमें सबसे अधिक नीलामी की रकम मनमोहन रत्नाकर द्वारा मिला, जो 1,65,060 रुपये था। आज दिनांक 20 मई 2021 को मुड़पार व रोपड़ी का नीलामी किया गया, जिसमें 34 निविदा प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निविदा के रूप में मनमोहन रत्नाकर मुड़पार वाले का 1,65,060 रुपया में सर्वश्रेष्ठ रहा। इस प्रकार से मुड़पार व रोपड़ी का नीलामी मनमोहन रत्नाकर मुड़पार वाले को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।